देखिए, अजमेर के लिए आज एक बुरी खबर आई है, जहां पर अजमेर के अंदर अभी तक 18 दिन के अंदर सिर्फ एक परिवार से 5 कोरोना के पॉजिटिव मरीज थे, वो भी ठीक हो रहे थे, लेकिन आज एक खानाबदोश है। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर 1 इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। उसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव की आई है, उसको दो जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है, उसके 2 दिन पहले ही उसको उसके जो कोरोना के सिम्टम्स हैं वो उसके अंदर दिखाई दिए थे, और उसके बाद उसकी जांच रिपोर्ट जांच के लिए सैंपल्स जो हैं वो भेजे गए थे। उसके बाद जब आज जांच रिपोर्ट आई है तो वो जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। ये तमाम ये जो कोरोना का पॉजिटिव जो खानाबदोश है, ये अजमेर का जो अलवर गेट इलाका है, यहाँ पर एक सेंट मेरी कॉन्वेंट स्कूल है, उसके ठीक सामने ये रेल का म्यूजियम है, जहाँ पर लगभग 175 खानाबदोश को रखा गया था, और 175 खानाबदोश को रखने के साथ ही इनके यहीं पर रहने की, यहीं पर खाने की तमाम तरह की जो मेडिकल की सुविधाएं हैं वो उनको यहीं पर दी गई थी। लेकिन अब जब कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट एक खानाबदोश से आई है, तो कई तरीके के अब प्रशासनिक अधिकारियों को जांच करनी पड़ेगी। जैसे कि अभी हमको जो हमारे सूत्रों ने दी है, क्योंकि ये रिपोर्ट अभी तक किसी भी ने भी नहीं बताई होगी, जो जानकारी हम हमारे दर्शकों को देने वाले हैं, जो हमारे सूत्र से हमको प्राप्त हो रही है कि ये जो शख्स है, जो खानाबदोश शख्स है, 22 वर्ष इसकी उम्र बताई जा रही है, ये शख्स जब अजमेर आया है तो इसके साथ में 30 और लोग इसके साथ में शामिल थे, 30 खानाबदोश और है। वो 30 के 30 जो खानाबदोश लोग हैं वो अजमेर के जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान कॉलेज है, जहां पर भी खानाबदोश के लिए एक सेंटर बनाया गया है, वहां पर तकरीबन 135 के आसपास लोग वहां पर रखे गए हैं। उन 135 में से जो 30 लोग थे वो इसके साथी थे, जो इसके साथ में पहले आए थे। अब सबसे बड़ी बात है, वो जो 30 लोग थे वो 30 लोग भी लगातार जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान कॉलेज में जो खानाबदोश के लिए सेंटर बनाया गया है उनसे संपर्क में थे, और उसके साथ में ये जो युवक है ये यहाँ पर 175 लोगों के संपर्क में था। उन 30 लोगों को जो हमें हमारे सूत्र हमको जानकारी दे रहे हैं, उन 30 लोगों को किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन अब एक बड़ी समस्या प्रशासन के सामने आ बनी है कि कोरोना के जो सिम्टम्स हैं वो पहले या दूसरे दिन से दिखाई नहीं देते हैं, उसमें एक लंबा वक्त लगता है, और वो लंबे वक्त में भी कोरोना के सिम्टम्स आएंगे या नहीं आएंगे इसके बारे में कुछ नहीं कहा जाता। इसलिए एक बड़ी चुनौती इस वक्त प्रशासन के सामने बन चुकी है कि आखिरकार जिस लोगों में लोगों से संपर्क में ये व्यक्ति आया है, ये जो खानाबदोश है वो आया है, उसको उसमें अब लक्षण आएंगे या नहीं आएंगे, क्या वाकई कोई संक्रमित हुआ है या नहीं हुआ है, इसको लेकर बड़ा संशय है। लगातार अब इनकी स्क्रीनिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब यहाँ पर खानाबदोश लोगों के लिए सेवा करने के लोग आते हैं, कई स्वयंसेवी संस्थाएं आती हैं, कई नर्सिंग के स्टाफ आते हैं, कई डॉक्टर्स आते हैं, और पुलिस के कुछ जवान यहाँ पर अपनी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी एक बड़ा चिंता का विषय है, उन लोगों के स्वास्थ्य को लेकर भी बड़ा चिंता का विषय है कि आखिर उन लोगों को भी अपने आप को इस वक्त होम क्वारंटाइन करना पड़ेगा। उनके लिए भी बड़ी ये दुविधा की बात है कि जो लोग इस समय सेवाएं इन लोगों को दे रहे थे वो लोग किस तरीके से अब अपने आप को स्वस्थ करते हैं, उनको खास तौर पर अपना ध्यान इस वक्त रखना पड़ेगा, क्योंकि ये कुछ भी स्पष्ट नहीं कह सकता अभी तक कि ये कितने लोगों से संपर्क में आया था। इसकी जांच फिलहाल मेडिकल की टीम कर रही है, उससे पूछताछ चल रही है कि आखिरकार इसकी ट्रेवल हिस्ट्री क्या रही है, किन किन लोगों से ये संपर्क में आया है, कहीं और भी इस इलाके के अलावा अगर गया है तो उसकी भी अभी पूछताछ की जा रही है, और उसके बाद उन तमाम इलाकों को सैनिटाइज कर दिया जाएगा। हालांकि जैसे ही कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट की सूचना प्रशासन को मिली है, उसके तुरंत बाद नगर निगम ने तुरंत प्रभाव से ये जो इलाका है अलवर गेट का, यहाँ पर और ये जो होम जेल का म्यूजियम जो है, जो खानाबदोश लोगों के लिए सेंटर बनाया गया है, इस सेंटर को सैनिटाइज करने का काम उन्होंने शुरू कर दिया है। स्क्रीनिंग की जो टीम है उस टीम को तुरंत प्रभाव से इस पूरे इलाके के अंदर अलवर गेट का जो इलाका है यहाँ पर रवाना कर दिया है। वो टीम घर घर जाकर दोबारा से स्क्रीनिंग करेगी, और हम हमारे दर्शकों को एक जानकारी और देते हैं कि अजमेर में इस वक्त अजमेर जिले के अंदर 9 लाख लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। यानी कि मेडिकल की जो टीम है, नर्सिंग की जो चिकित्सा विभाग की जो टीम है, वो लगातार स्क्रीनिंग बहुत बड़े लेवल पर कर रही है, और कोशिश ये है कि लगभग 3 से 4 बार लगातार स्क्रीनिंग पूरे शहर की हो जाए, पूरे जिले की हो जाए, जिससे कि क्योंकि जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि कोरोना के जो सिम्टम्स हैं वो शुरुआती दौर में नहीं आते, उसमें एक वक्त लगता है, तो इसीलिए स्क्रीनिंग जो हो रही है वो लगातार
ऐसे टाइम ड्यूरेशन को बना के हो जा रही है जो प्लानिंग चिकित्सा विभाग ने की है, उसमें एक टाइम ड्यूरेशन सेट कर रखा है, उसके साथ में स्क्रीनिंग लगातार हो रही है। 2 बार स्क्रीनिंग जिले की हो चुकी है, 9 लाख लोगों का आंकड़ा हमको आधिकारिक तौर पर बताया गया है और उसके साथ में ये स्क्रीनिंग अभी भी जारी है। अब जब इस जिले के अजमेर के जो कॉन्वेंट स्कूल के सामने रेल म्यूजियम से जब खानाबदोश में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, तो उसके साथ ये जो इलाका पूरा है, यहाँ से आना और जाने वाले जितने भी इलाके हैं, उन तमाम इलाकों के ऊपर पुलिस ने सख्त नाकाबंदी कर दी है। किसी तरह की आवाजाही यहाँ पर इस वक्त अलाउड नहीं है और तमाम जो आसपास के इलाके हैं वहां पर स्क्रीनिंग की जा रही है। अब ऐसा भी हो सकता है कि इस इलाके को लेकर कोई खास दिशा निर्देश भी आए, लेकिन यहाँ पर तमाम मेडिकल को छोड़कर जितनी भी दुकानें खुली हुई थी, चाहे वो डेयरी की दुकानें हों, सब्जी की दुकानें हों, उन तमाम दुकानों को बंद कर दिया है। वो दुकानें अभी अगले आदेश तक नहीं खुलेंगी, क्योंकि जब तक यहाँ के स्क्रीनिंग और यहाँ का सैनिटाइजेशन नहीं हो जाता है, तब तक ये दुकानें खुलना बहुत मुश्किल है। और इसके लिए प्रशासन जब अपना अगला आदेश देगा तो उसमें स्पष्ट करेगा कि आखिरकार यहाँ पर राशन सामग्री पहुँचाने, सब्जी पहुँचाने को लेकर क्या व्यवस्था की जाएगी। लेकिन सिर्फ मेडिकल की दुकान है वो यहाँ पर खुली है इस इलाके के अंदर, बाकी की जो दुकानें हैं उनको बंद करा दिया गया है। अब चुनौती प्रशासन के सामने सबसे बड़ी यही है, जो 135 लोग सम्राट पृथ्वीराज चौहान कॉलेज में रुके हुए हैं, उनकी जांच करना, उनके अंदर किसी प्रकार के सिम्टम्स नजर आते हैं या नहीं आते हैं, उनकी लगातार स्क्रीनिंग करते रहना, ये बड़ी चुनौती है। और उसके साथ यहाँ पर जो 175 लोग रुके हुए हैं उनकी स्क्रीनिंग बराबर करना, क्योंकि ये खानाबदोश लोग हैं, इनको सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर उस तरीके से पालना नहीं करवाई जा सकती जिस तरीके से बाकी जो तमाम शहर के जो जागरूक लोग हैं वो कर रहे हैं, उस तरीके से यहाँ पर नहीं हुई है। तो इसीलिए जो संक्रमण का डर है वो सबसे ज्यादा इस इलाके के अंदर फैला हुआ है। तो कोशिश अभी प्रशासन की ये है कि जो तमाम शहरवासी लोग हैं वो खानाबदोश लोगों के संपर्क में ना आए। प्रशासन अपने स्तर से पूरी तैयारी कर रहा है, पूरी मुस्तैदी के साथ लग चुका है, पुलिस ने पूरी तरीके से मोर्चा संभाल लिया है, आसपास का जो इलाका है उस पर नाकाबंदी बहुत सख्त कर दी है, किसी को भी अलाउड इस वक्त नहीं है। और एमपीटीवी इंडिया भी अपने दर्शकों से ये अपील करता है, जो इस इलाके के आसपास रहता है, तो आप कोशिश कीजिए कि जो पहले आप दूध के लिए और सब्जी के लिए निकल रहे थे, अब ना निकले। आपके घर पर ही अगर कोई डिलीवरी करने आ रहा है तो उससे लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बाहर जाना एक बड़े खतरे को मोल ले सकता है, आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है और एक तरीके से कोरोना वायरस में जो महामारी है उसके अंदर भी एक बाधा बन सकते हैं। लेकिन प्रशासन लगातार ये अपील कर रहा है। खैर, आधिकारिक तौर पर जो जानकारी है इसकी, जो ट्रेवल हिस्ट्री है, वो आज दोपहर तक आने की उम्मीद है कि दोपहर तक ये जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि आखिरकार ये जो खानाबदोश युवक है ये आखिरकार कहाँ कहाँ गया है, क्या ये जो सेंटर इनके लिए बनाया गया था इसके अलावा कहीं और इसकी हिस्ट्री है या नहीं है, और इसके साथ इसके संपर्क में कितने लोग आए। खैर, चुनौती कई तरीके की है, लेकिन प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ तैयार है। अभी जो सेंटर है, इस सेंटर के अंदर मेडिकल की जो टीम है, चिकित्सा विभाग की जो टीम आई हुई है, वो स्क्रीनिंग कर रही है, सभी से पूछताछ कर रही है, जांच कर रही है कि किसी के अंदर किसी प्रकार के कोरोना के सिम्टम्स तो नहीं है। खैर, हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा और चीजें जब इसकी ट्रैवल हिस्ट्री आ जाएगी तो एमपीटीवी इंडिया आपको सब तो बताने की कोशिश करेगा कि आखिरकार और कौन कौन से इलाके हैं जहां पर ये युवक गया है और वहां पर किन किन लोगों के संपर्क में आया है। हमें सूचना मिली थी कि रेल म्यूजियम में जो हमने ठहराए हुए हैं उनमें से एक व्यक्ति को पॉजिटिव मिलने की सूचना आई, कोरोना पॉजिटिव। उसके बाद यहाँ जितने भी ठहराए हुए थे उन सब की पहले भी स्क्रीनिंग कराई जा चुकी है, 3 बार स्क्रीनिंग कराई जा चुकी है, लेकिन कोरोना वायरस एक ऐसा है जिसमें सिम्टम्स अलग अलग हैं, तो शायद उनकी पहले स्क्रीनिंग में नहीं आ पाई। तो जैसे ही अभी सूचना मिली है तो इसके बाद हमने CMHO को इन्फॉर्म किया है, ये मेडिकल टीम यहाँ सबकी स्क्रीनिंग के लिए आ रही है दोबारा। अभी इस जो रेल म्यूजियम है इसको सैनिटाइज करवाया गया है, साथ ही साथ हम आसपास की आवाजाही भी कम कर रहे हैं,